देंगे जरूर, हमेशा प्रूफ करते हैं कि यस आई एम वीआईपी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए वीआईपी सर के लिए। यस, अभी हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे यहाँ पर। आशीष सर से हम लोग अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, जिनमें से मैं अगर कहूँ पर्सनल लेवल पर जो बात सिखाऊं मैंने सर आपसे, वो ये है कि व्यक्ति और वस्तु का डिफरेंस आपने हमें बहुत बेखूबी समझाया है। और मैं इस चीज के ऊपर भी आऊंगा कि तिगड़म वाला जो चीज है आपके पास कैसे मूवी आई, और थोड़ा सा हम उसके बारे में सर जानना चाहेंगे सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको अपने जीवन में बहुत सारे चुनौतीपूर्ण किरदार करने के मौके मिले। तो इस्माइल भाई जब हमारे पास ये फिल्म लेके आए और उन्होंने कहा कि आशु भाई ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको चार कैरेक्टर करने हैं, क्या बात, चार। तो मुझे लगा कि डबल रोल सुना था, ट्रिपल रोल सुना था, लेकिन ये जो जुबल रोल है ये अपने आप में किसी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। और मैंने जब कहानी सुनी और उन्होंने बताया तो मुझे ये समझ में आया कि कम्प्लीटली पूरा मनोरंजक फिल्म है और इसमें चार विभिन्न किस्म के कैरेक्टर एक ही आदमी को करने हैं। और फिर हम लोगों ने इस फिल्म की शुरुआत की और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस फिल्म के उन चारों किरदारों को देखता हूं तो मुझे ये एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी एक एक्टर को चार किरदार में देख रहा हूं। मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि वो जो किरदार है बस मैं उसको देख रहा हूं और उन्हीं चारों किरदारों के साथ मैं जोरदार चला गया। और ये चार जो किरदार हैं इस फिल्म में तिगड़म है, ये बिल्कुल अलग अलग रेंज के हैं। एक हैं जो बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और काठियावाड़ी गुजराती हैं जिनके पास पैसा इतना है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना पैसा है, आइलैंड वाइलैंड के मालिक हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है छगन पटेल साहब जो काठियावाड़ी गुजराती हैं, हीरों के व्यापारी हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है बारूद भाई जो वर्ली की चौल में रहते हैं लेकिन दुनिया के बहुत बड़े गप्पी हैं और बहुत उनको फेंकना फाँकने में उनका बड़ा विश्वास है, तो जितनी दूर तक वो फेंक सकते हैं उतना वो फेंकते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं नवाब सलीम जो विशुद्ध नवाबी परिवार के हैं और विशुद्ध उर्दू में बात करते हैं लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं, खतरनाक आदमी हैं। और चौथे जो हैं जो उनसे एक मिनट छोटे हैं उनके ही भाई नवाब कलीम जो डॉन बनना चाहते थे लेकिन अपने भाईजान की चेस्ट उर्दू के कारण वो डिक्शनरी बन के रह गए कि बुद्ध लोगों के बीच में ये संबंध बताते रहते कि भाईजान ने जो उर्दू में बोला है उसका हिंदी में क्या मतलब है और अंग्रेजी में उसका क्या अर्थ है। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण किरदार था, मुझे लगा कि किसी भी अभिनेता के जीवन में ये बहुत बड़ी कृपा होती है, आशीर्वाद होता है बुजुर्गों का जिनके माध्यम से ये ऐसे चुनौतीपूर्ण किरदार करने के अवसर मिले। सर आपका फेवरेट? अब चारों में ही जान लगाई है हमने और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभिनेता के रूप में हमने उसमें एक जो चुनौती ली थी, चैलेंज लिया था वो ये था कि मैंने पूरा प्रयास किया कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गेटअप ले लेते हैं जी, तो बिना किसी गेटअप के बिना किसी प्रोस्थेटिक के आप उनकी भाव भंगिमा बॉडी लैंग्वेज उनकी टोनल क्वालिटी उनके लुक उनके जेस्चर पोस्चर चलने के अंदाज से ही आपको वो चारों किरदार बिल्कुल अलग अलग नजर आए ताकि उसमें एक अभिनेता के रूप में आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें चारों की ही डबिंग हमने की है लेकिन किसी दूसरे का स्वर किसी दूसरे के स्वर से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज रही और हम लोग बहुत अच्छा सीखने के लिए बहुत बढ़िया रहा, बेहतर। एक जोरदार ताली हो जाए आशुतोष सर के लिए। मैं वीआईपी सर तक आना चाहूंगा। वीआईपी सर आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताएं और सबसे पहले आज ये गाने का कारण बताएं। कोई नॉर्मल मुंबई में भाई बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था, मैं तो पवई से आता तो वाकई में ट्रैफिक था, वाकई वाकई में ट्रैफिक। इस फिल्म के बारे में यही कहना चाहूंगा मैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ और जो अभी जिक्र किया छगन पटेल उनके लिए लड़की सप्लाई मैं ही करता हूँ। लॉन्ड्री का काम? हाँ, लॉन्ड्री का काम करता हूँ। इस फिल्म के बाद पता चला कितने लोग मुझे बोलेंगे भाई लड़की है क्या, तो डर लग रहा है।
डर नहीं लगा ना और इस किरदार को निभाने में अगर पूरी टीम ने मेरे साथ मेरा बहुत सहयोग दिया है, सबने मेरा साथ दिया कि भाई इस तरह से कर कैसे कर वैसे कर, और कामयाब हो गया। हमें देखने में मजा आ रहा है, अब लोग देखेंगे कितना मजा लगेगा ये पता नहीं है, लेकिन मेरा पहला था ये करेक्टर और बड़ा मजा आया मुझे काम करते हुए। ये कैसा तिकड़म है ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा काम दूसरा है। अच्छा, मेरा काम दूसरा है। देखिए फोन बज रहा है। किसी का फोन है? बीवी के साथ फोन नहीं है। यस, थैंक यू सो मच। वापस विनीत सर के पास हम लोग यहाँ पर आए हैं। विनीत सर, दो शब्द आपके तरफ से भी चाहिए रहेंगे कि भाई आप लोगों को, अली और विनीत, इन दोनों के लिए एक बार जोड़ना चाहिए, दोनों मेहनती और कमिंग बैक टू बैक विद अदर मूवीज। एंड विनीत सर एंड अली सर, हाउ डू यू फील लाइक अभी आज ट्रेलर लॉन्च? I think this is the first. Yes, this is the first. This is the first event. Yes, yeah. और जैसे हमारे हाथ में भी movie आया था। जी। Sound we work a lot. जी। तो उसके जैसे हम लोग आया, पूरी टीम हम लोग को मिलके तो post production पे इतना काम किया हमने। And लेकिन काम अब कर, हम लोग ने फिर से उसको re-edit किया। And आशीष सर ने भी हम लोग को बहुत support किया इसमें। जी। And उसके writer नहीं, एजाज सर, उन्होंने बहुत help किया। सपोर्ट किया और बहुत अच्छी और फैमिली। क्या एक्सपेक्टेशंस और कैसा आपके लिए, हाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मूवी देन? वी आर रिलीजिंग गुड। और मेरे को व्हाट इज द रिलीज, व्हाट इज द रिलीज? 13 नेक्स्ट 13 जुलाई हम लोग का रिलीज डेट है। एक बार वापस जोरदार ताली हो जाए। एंड आशुतोष सर के पास वापस से जाएंगे। आशुतोष सर, सर मूवी से थोड़ा सा हटके एक सवाल है, मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बता पाएंगे कम शब्दों में, एकदम पॉलिटिकल की भाषा में। कम शब्दों में बहुत अच्छी सिर्फ यही कह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यात्रा हमेशा एक चलते रहने वाली चीज़ है और उसे उसका आनंद ही चलते रहने में है, क्योंकि यात्रा जिस पल आपकी रुक जाती है तो फिर वो आनंद विहीन हो जाती है। तो अभी मैं चल ही रहा हूँ तो आनंद में हूँ। क्या बात है, बस जोरदार तालियां। वापस है हम लोग इस मूवी का ट्रेलर देखते हैं और वापस फिर एक और बार हम लोग इंट्रैक्शन के लिए आएंगे। फिर प्रेस का जो भी इंट्रैक्शन रहेगा वो इसके बाद रहेगा। थैंक यू सो मच सर।